हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्विक सब। अद्विक सब में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अद्विक सब में हम आपके लिए कई अलग अलग वीडियोस ला चुके हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हमारा हर वीडियो पहले से बेहतर बने और आप भी हमें पहले से ज़्यादा पसंद करें। इसी कड़ी में हम लाए हैं एक नया वीडियो जिसका नाम है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के 7 आश्चर्य। ये 7 वंडर्स यानी 7 अजूबे कौन से हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के 7 अजूबे। फ्रेंड्स, 2000 में स्विट्जरलैंड में स्थित न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा 200 मॉन्यूमेंट्स में से वंडर्स ऑफ वर्ल्ड नाम का एक कैंपेन शुरू किया गया। इस कैंपेन के पीछे यह कॉन्सेप्ट था कि प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य एक ग्रीक इंजीनियर फिलो ऑफ बाइजेंटियम द्वारा संभवतः 200 BC द्वारा निर्धारित किए गए थे और ये सभी मेडिटेरेनियन सी यानी केवल भूमध्य सागर के आसपास ही स्थित थे, ना कि पूरे विश्व में। और इसमें से भी 6 आश्चर्य काफ़ी समय पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। केवल इजिप्ट की गिजा पिरामिड ही शेष बची है। इसको देखते हुए ही न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया। इस कैंपेन में इंटरनेट और फ़ोन के ज़रिए वोटिंग करवाई गई। 7 जुलाई 2007 को नए 7 आश्चर्य यानी न्यू 7 वंडर्स का परिणाम घोषित किया गया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की इस विशाल दीवार को दुनिया में सब जानते हैं। यह दीवार कई हिस्सों में वहाँ के शासकों द्वारा अपने राज्य की रक्षा के लिए बनाई गई थी, जिनको धीरे धीरे जोड़ दिया गया। इसके विशाल आकार को देखते हुए ही इसको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा गया। इसका निर्माण मिट्टी, पत्थर, ईंट, लकड़ी और दूसरे मटेरियल को मिलाकर हुआ है। यह विशाल दीवार पूर्व के लियाडोंग से शुरू होकर पश्चिम में लोक लेक तक और उत्तर में चीन रूस बॉर्डर से पश्चिम में ताओहे नदी तक फैली है। सभी हिस्सों को मिलाकर चीन की दीवार लगभग 21,196 किलोमीटर लंबी है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 7 मीटर और अधिकतम ऊंचाई लगभग 14 मीटर है। पेट्रा। साउथ गार्डन में बसे पेट्रा शहर की कलाकृति 7 अजूबों में शामिल है। यह एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक शहर है। इस शहर में चट्टानों को काटकर अधिकांश निर्माण हुआ था, साथ ही यहाँ पानी की नाली नुमा प्रणाली है। यही वजह है ये शहर बहुत फेमस है। इस शहर को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जिन पत्थरों को काटकर निर्माण किया गया है वो लाल रंग के हैं। इसका निर्माण 312 BC के लगभग हुआ था। यहाँ ऊंचे-ऊंचे मंदिर हैं जो आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा तालाब, नहरें भी हैं जो बहुत सुनियोजित तरीके से बनाई गई हैं। यह जॉर्डन का मुख्य आकर्षण है। रोमन कॉलिजियम। ये रोम में बनाया गया एक विशाल ओवल शेप्ड स्टेडियम है। देखने के लिए ये रोम का एक प्रमुख आकर्षण है। इसका निर्माण 72 AD में रोमन शासक वेस्पासियन ने शुरू करवाया था, जो 80 AD में पूरा हुआ था। इतनी पुरानी ये वास्तुकला आज भी दुनिया के 7 अजूबों में अपनी जगह बनाए हुए है। प्राकृतिक आपदा भूकंप से ये थोड़ा बहुत ध्वस्त हुआ, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसे ही है। यहाँ 50,000 से 80,000 लोग बैठ सकते थे। यहाँ जानवरों की लड़ाई, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। यह 24,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। चिचेन इत्ज़ा। चिचेन इत्ज़ा मेक्सिको में स्थित एक बहुत पुराना शहर था जो माया सभ्यता के लोगों ने बनाया था। इसका निर्माण 600 AD में हुआ था। चिचेन मेक्सिको में युगांतक स्टेट में स्थित है। चिचेन इत्ज़ा में बहुत से मॉन्यूमेंट हैं, जिनमें सबसे दर्शनीय माया मंदिर एल कैस्ट्रेलिनो, जो सीढ़ी नुमा पिरामिड के आकार का है। यह 24 मीटर ऊँचा है। इस मंदिर में ऊपर जाने के लिए चारों दिशाओं में सीढ़ियाँ बनी हैं। टोटल 365 सीढ़ियाँ हैं। हर दिशा में 91 सीढ़ियाँ हैं। कहते हैं कि हर एक सीढ़ी एक दिन का प्रतीक है।
ऊपर 365वें दिन के लिए एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इसके अलावा हर जगह पर चकमूल का मंदिर, हजार स्तंभों के हाल एवं कैदियों के खेल का मैदान है। माचू पिचू। दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित माचू पिचू एक ऊंची चोटी पर स्थित शहर हुआ करता था। समुद्र तट से 2430 मीटर ऊपर माचू पिचू में 15वीं शताब्दी के समय इनका सभ्यता के निवासी रहते थे। पुरातत्वविदों का मानना है कि माचू पिचू का निर्माण राजा पंचाकुटी ने 1400 के आसपास करवाया था। उस समय वहां इक्का जाति रहती थी। इसके 100 साल बाद इस पर स्पेन ने विजय प्राप्त की और इसे ऐसे ही छोड़कर चले गए। उन्हें इस जगह से कोई ज़्यादा लगाव नहीं था। इसके बाद इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था, जिससे यहाँ रहने वाली सभ्यता भी नष्ट हो गई। ये जगह भी इसी के साथ गुम हो गई। लेकिन 1911 में अमेरिका के इतिहासकार हीरा मिंगम ने इसकी खोज की और इसे दुनिया के सामने लाया गया। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व की धरोहर घोषित किया। यहाँ इक्का सभ्यता की कलाकृतियों को आज भी देखा जा सकता है। ताजमहल। ताजमहल भी दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। अपनी सुंदर वास्तुकला की वजह से इसे अजूबा बोला गया था। ताजमहल का निर्माण 1632 AD में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया था। इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। ये मकबरा पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इसके चारों ओर गार्डन और सामने वाटर फाउंटेन है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। इस जैसे सुंदर कलाकृति दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। शाहजहां ने जब इसे बनवाया था तब इसमें 15 साल का समय लगा था और ऐसा कहा जाता है कि इसे बनवाने के बाद शाहजहां ने निर्माण से जुड़े सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे ऐसा दूसरा ना बना सके। ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए देश दुनिया से लोग दूर दूर से आते हैं। क्राइस्ट द रिडीमर। यह ब्राजील के रियो डी जनेरियो में स्थित है। यीशु मसीह की 30 मीटर लंबी और 28 मीटर चौड़ी यह मूर्ति दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यीशु मसीह की इस मूर्ति का निर्माण 1922 में शुरू हुआ था और 12 अक्टूबर 1931 को इस जगह पर स्थापित किया गया था। यह मूर्ति कंक्रीट और पत्थर से बनी है, जिसे ब्राजील के इंजीनियर सिल्वा कोस्टा ने डिज़ाइन किया था एवं फ्रांस के महान मूर्तिकार लीन दोवास्की ने इसे बना के तैयार किया था। इसका वजन 635 टन के लगभग होगा। यह रियो शहर की 700 मीटर ऊंची कोरकोवाडो की पहाड़ी पर स्थित है। दुनिया भर में ईसाई धर्म का यह बहुत बड़ा प्रतीक है। नए 7 आश्चर्यों में इसकी आयु सबसे कम है। इन 7 नए आश्चर्यों के अलावा इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को भी ऑनरेरी स्टेटस दिया गया है, क्योंकि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड है, जो प्राचीन काल के 7 आश्चर्यों में भी सबसे पुराना है। प्राचीन 7 आश्चर्यों में 6 आश्चर्य समय के साथ विलुप्त हो गए हैं और केवल गिजा का पिरामिड ही शेष बचा है, इसलिए सम्मान के तौर पर इसको एक विशेष स्थान दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि न्यू 7 वंडर्स के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था। यहाँ हम ये भी बताना चाहते हैं कि न्यू 7 वंडर्स की पूरी प्रक्रिया काफ़ी डिस्प्यूटेड भी रही थी, जिसमें वोटिंग पर भी क्वेश्चंस किए गए थे और शुरुआत में यूनेस्को, जो कि दुनिया भर में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण को प्रोत्साहन देता है, ने भी कुछ इंटरेस्ट दिखाया था। लेकिन बाद में यूनेस्को ने भी इस कैंपेन से दूरी बना ली। हम ये कह सकते हैं कि ये 7 आश्चर्य की लिस्ट शायद अंतिम नहीं है और ये संभव है कि भविष्य में हमें फिर से चुनाव का मौका मिले। उस समय का इंतजार करिए और देखते रहिए अद्वैक्स हब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।